हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग आ चुके हैं ड्रंक वाटरफॉल से वापस श्रीनगर, और आज हमारा हाउस बोट का स्टे है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नाइजीन लेक पे। एक्चुअली डल लेक का था, लेकिन डल लेक में क्या है, बहुत ज़्यादा रस होता है, तो हम लोग ने उसके ही करस्पॉन्डिंग थोड़े से पीछे, मतलब पीछे वाली साइड को नाइजीन लेक बोलते हैं, तो वहाँ पर आ चुके हैं। और वहाँ पर हमारी शिकारा आ रही है, तो पहले हम लोग अपने हाउस बोट पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग शिकारा राइड पे जाएंगे। अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू काफ़ी प्यारा आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे शिकारा बोट्स भी खड़े हुए हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये नाइजीन लेक का एरिया है, और ये सारे शिकारा राइड बोट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारा होटल जो है, होटल या हाउस बोट बोल लो, थोड़ा सा इस साइड है, राइट साइड पर, तो भी बोट आ रही है उस होटल से, तो उस पर हम लोग बैठेंगे और फिर जाएंगे उस बोट पे, और फिर उसके बाद सब कुछ चेक इन करने के बाद शिकारा राइड सनसेट के टाइम पे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि थोड़ा कोहरा भी है, तो देखते हैं कैसा व्यू आता है। डल लेक इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस होता है, और यहाँ पे जो है डल लेक का ही पार्ट है, और यहाँ पर लेकिन उससे बेटर शांति है। तो ये पूरा एरिया जो आपको देख सकते हो यहाँ पे पूरे बोट्स खड़े हुए हैं जो कि आ रहे हैं हमको लेने। तो ठीक है, एक बार चलते हैं अब हम लोग हाउस बोट पे, फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं, और शिकारा राइड करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है यहाँ से। ठीक है, फिर चलते हैं हम, और एक बार अपने हाउस बोट पे पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने हाउस बोट की तरफ, और शिकारा राइड नहीं है, शिकारा से ही लेके जा रहे हैं लोग होटल। पहले होटल जाएंगे और फिर वहाँ से 10 मिनट बाद शिकारा राइड में निकलेंगे। ये देखो कितना अच्छा व्यू है, थोड़ा कोहरा है जो कि थोड़ा व्यू कम कर रहा है, नहीं तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और ये देखो, तो थोड़ी दूर पे है यहाँ से, मेरे ख्याल से 200-400 मीटर पे होगा। तो ठीक है, चलते हैं, और देखो ये बाकी लोग भी जा रहे हैं, हमारी बहुत धीरे चल रही है, इनकी मोटर वाली है। तो फिर चलते हैं पहले हाउस बोट पे। अच्छा, एक बार हम लोग चेक इन करके आ जाए शिकारा राइड पे, फिर ये सब देखते हैं। मध्य प्रदेश MP। देखो ये लोग यहाँ पे बीच में ही बेचना काम शुरू कर चुके हैं, अलग अलग चीजें दिखाते हैं। और पहले हम लोग जाएंगे, उतरते हैं पहले, फिर शिकारा में देखेंगे क्या लेना है। तो फाइनली हम लोग अपने हाउस बोट पे आ चुके हैं, देखने में यही लग रहा है, तो देखते हैं अंदर का कैसा व्यू। हम MP से, थैंक यू। थोड़ा सा और आ गया, मे भी यहाँ पे तो सब कुछ सारे हाउस बोट लगभग सेम ही दिख रहा है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा कि कौन सा हमारा है। व्यू लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं, अब एक बार उतरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा व्यू हमारे हाउस बोट से। तो फाइनली चेकिंग करने के बाद हम लोग आ चुके हैं शिकारा राइड पे। शाम का समय ही सेलेक्ट किया क्योंकि सुबह सुबह फिर ज़्यादा फॉग हो जाता है, तो नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। सनसेट होने ही वाला है, मतलब अभी तो टाइम है थोड़ा। कितने बजे होता है भैया सनसेट? हाँ, इस मौसम में तो और जल्दी हो जाता होगा, तो ज़्यादा है। 5-6 बजे तक तो हो ही जाएगा। पीछे भैया मेरे चला रहे हैं,
और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू। ये देखो, ये थोड़ा सा कोहरे की वजह से पूरा फुल क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन ये देखो इधर सूरज की परछाई पड़ रही है लेक पे, और ये ऊपर सूरज दिख रहा है, काफी ब्यूटीफुल है। और एक घंटे की राइड है हमारी, चार बज चुके हैं ना, हाँ 4:15 हो रहे हैं, 5 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पे। और ये डल लेक जैसा क्राउडेड नहीं है, थोड़ा सा शांत है एरिया, तो अच्छा है। अगर आपको शांति चाहिए तो इस एरिया में आप ले सकते हो हाउस बोट्स, लेकिन अच्छे से आके चेक करके लेना। तो देखिए यहाँ पे ही सिकारा के अंदर ही फास्ट फूड खाने का है, तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। हम लोग कॉफी पीने आ चुके हैं यहाँ पे, भैया बना रहे हैं कॉफी गरम गरम। अमूल मिल्क यहाँ पे ओरिजिनल गाय वाली दूध तो कम ही मिलती होगी ना भैया। अच्छा ऐसा, हाँ अमूल का तो चलो ठीक ही है। हाँ उस पर तो कुछ नहीं, तो वही है नॉर्मल। हाँ अच्छा, ये हाथ गर्म करने के लिए, ये देखो ये हाथ गर्म करने के लिए भैया ने दिया है, राख है और सूर्य कोयला है, तो ज़्यादा ठंड में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा है, ठीक है फिर कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, फिर वापस कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो आपको दिखाते हैं। क्या क्या है आपके पास? ये देखो हमारे पास शिकारा है, फ्रिज मैगनेट से नहीं, कोई काम वाला चीज बताओ, सो वाला नहीं। तो गाइज ये वाला आइटम लिए हैं, ये देखो इसमें मटन का मसाला पीसेंगे, अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें लहसुन अदरक और काली मिर्च, ये पीसा जाएगा। 650 में दिया भैया, देखो यहाँ से और अच्छा व्यू आ रहा है, और साथ में ये आइटम ले लिया गया है काम का एक, तो जो जो भी मेरे यहाँ आता है मटन खाने उसके लिए एक पैसा दे देना हमको, सब बहुत पैसा लग गया इसको लेने में, मटन खाने से पहले इसका पैसा देना, ठीक है। फिर घूमते हैं मेरे ख्याल से, अब राइड ख़त्म करने का वक्त आ गया है, अभी तो थोड़ा टाइम है और, लेकिन ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अच्छा इधर से डल लेक जाते हैं, अच्छा ये डल लेक जाने का रास्ता है उस पुल के पीछे से, तो ठीक है। हाँ सिक्कर राइड अच्छी रही हमारी, बस थोड़ा टाइम बचा हुआ है और, तो हम एंजॉय करते हैं फिर होटल जाएंगे, और मिलते हैं आपसे जल्दी, फिर कश्मीर सीरीज का अंत करते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। और बाकी जाइए, और भी सारी वीडियो डल चुकी हैं वो देखिए आप, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए स्ट्रीट ब्लॉगर, खुश रहिए आबाद रहिए जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।